नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीमअप क्लासेस में स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना सीखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉइंट लोड जब मध्य में लगा हो उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना सीखे थे। अब हम एक इस प्रकार का अगर जो है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर हम आधारित देख रहे हैं प्रश्नों को, तो इस प्रकार से अगर कोई है सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके यहाँ पर मध्य में न लगे करके मध्य से कुछ हट करके 6 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम मान ले रहे हैं 3 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 1 मीटर है। अब हमें इसका ए, इसको बी और इसको सी मान ले रहे हैं। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम खींचना प्रारंभ करते हैं। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप इसको ध्यान से अगर एक बार देख लेंगे तो मैं निश्चित कह रहा हूँ कि आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ें और आप लोग सपोर्ट करें हमारे जो कि वीडियो को अधिक से अधिक आप क्या करें कि शेयर करें। तो आइए हम प्रयास करते हैं कि आपको यह एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले आप कोई भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो आप सबसे पहले प्रतिक्रियाएँ निकालेंगे, यानी कि ए व बी पर प्रतिक्रियाएँ निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो ए पर प्रतिक्रिया है वह आर ए है और बिंदु बी पर प्रतिक्रिया आर बी है। तो हम लिख लेते हैं कि माना टेक या सपोर्ट, जो भी हम कहें टेक लिख ले रहे हैं, टेक ए पर, टेक को क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। माना टेक ए पर प्रतिक्रिया क्या है, आर ए है, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है, तो यह इस पर जब बीम पर 6 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं तो टेको पर आधारित जो टेक भी क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। तो यह आर ए हमने मान लिया और टेक बी पर प्रतिक्रिया कितना हो जाएगा, आर बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आर ए और यहाँ पर आर बी, क्योंकि यह ऊपर से आ रहा है तो यह नीचे की से ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया क्या होगी, जो बल लग रहा है उसके विपरीत होगी, क्योंकि ऊपर से यह बल लग रहा है तो प्रतिक्रिया हमेशा क्या होगी, बल के विपरीत दिशा में होगी, ठीक है, इस प्रकार से होगी। अब यहाँ पर प्रतिक्रियाएँ हमने मान लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, हम मानते हैं कि यह जो बीम है इस समय संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की स्थिति में, ठीक है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा कि ऊपर से जितना बल लग रहा है और नीचे से जितना बल लग रहा है वह बराबर होंगे, तभी तो संतुलित बल होगा। यानी कि जितना ऊपर से यह बल आ रहा है वह नीचे से उतना ही बल लगेगा, तभी संतुलन में होंगे, तभी उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, शून्य होगी। तो इस प्रकार से जैसे अगर मान लीजिए ऊपर से 6 न्यूटन का कोई बल लगा रहा है, अगर नीचे से भी हम 6 न्यूटन का बल लगाएंगे तभी तो यह साम्यावस्था में होंगी, नहीं तो क्या होगा, अगर 5 न्यूटन का बल इधर 6 न्यूटन का लगाए और 5 न्यूटन का उधर से लगाएं तो क्या होगा, नीचे की तरफ यह मूव कर जाएगा, तो इसलिए संतुलन की अवस्था में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो संतुलन की स्थिति में बल प्रतिबंध, दो प्रतिबंध होते हैं, बल प्रतिबंध और आघूर्ण प्रतिबंध, बल प्रतिबंध सिग्मा एफ बराबर 0 से, ठीक है, यानी कि बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, उनका शून्य होना चाहिए, जो ऊपर से लग रहे हैं बल है और नीचे से बल लग रहे हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। देखिए मान लीजिए अगर 6 ऊपर से आ रहा है और 6 नीचे से आ रहा है, क्योंकि ए प्लस होगा अगर मान लेते हैं, ठीक है,
या ए माइनस है ए प्लस है, तो क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, तो दिशा विपरीत होने के कारण क्या होता है, इनका चिन्ह अलग अलग होगा, तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो अब बल प्रतिबंध सिग्मा एफ बराबर जीरो से हम क्या करेंगे, ऊपर से लग रहा बल बराबर नीचे से लग रहे बल के बराबर होगा। तो यानी कि अगर हम नीचे से बल लग कौन कौन से लग रहे हैं, आर ए प्लस आर बी, या नीचे से लग रहा बल ऊपर से लग रहे बल के क्या होगा, बराबर होगा 6 न्यूटन। इसको हम समीकरण एक मान ले रहे हैं, ठीक है, समीकरण एक मान लिए। स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए बस, ठीक। अब क्या करेंगे कि हम ये बल प्रतिबंध था, अब हम कौन सा प्रतिबंध निकालेंगे, अब आघूर्ण प्रतिबंध से, आघूर्ण प्रतिबंध बंद सिग्मा एम बराबर जीरो से, ठीक है, सिग्मा बराबर जीरो से। तो आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे बीच की दूरी। तो अब हम आघूर्ण किसी बिंदु की परितः लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, बिंदु ए के सापेक्ष, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण, ठीक, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट संतुलन की अवस्था में क्या हुआ, क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों जब बराबर होंगे, यानी कि इधर से जितना फोर्स लग रहा है और उधर से जितना फोर्स लग रहा है, यानी दोनों फोर्स जब बराबर होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जब बराबर होंगे, तभी जा कर के संतुलन में होगा। तो संतुलन की अवस्था में हम क्या करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर क्लॉकवाइज मोमेंट हम कर ले रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करिएगा। आप एंटी क्लॉकवाइज पहले लिखें तो आप एंटी क्लॉकवाइज को ही पहले लिखिएगा, फिर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मोमेंट बराबर हमने बताया क्या होता है, बल गुणे बीच की दूरी, यानी क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, बल यानी एफ इंटू डिस्टेंस, दूरी एफ इंटू डी, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज देखिए इसमें क्या है, कौन कौन सा है, इसमें है बिंदु ए के सापेक्ष, अगर हम देखें इस प्रकार से बनाएं तो यह आर बी ऊपर की तरफ लग रहा है और इसको इस प्रकार से घुमाएगा, यानी कि घड़ी की यह विपरीत दिशा में घुमा रहा है, क्योंकि घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस प्रकार से चलती है 12 6 3 9, इस प्रकार से घड़ी इस प्रकार से चलती है, लेकिन यह उधर चल रहा है देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आर बी गुणे, अब बीच की दूरी कितनी है, एक यह है, तीन यह है, तीन है चार, ठीक है बराबर। अब देखिएगा अब क्लॉकवाइज मोमेंट, अब यह जो 6 न्यूटन का बल लग रहा है बिंदु सी पर, यह क्या है कि यह इसको ए के परितः देख रहे हैं, अगर हम सी की बात करें तो यह लगा है और यह कैसे घुमाने का प्रयास कर रहा है इसको क्लॉकवाइज, तो इधर हम क्या करें क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, बल कितना है 6 है और बीच की दूरी कितनी है, एक है, तो हमने एक लिख दिया। अब तो हल कर देते हैं, आर बी बराबर 6/4 हो जाएगा, तो इसको जब हम हल करेंगे, आप कैलकुलेटर जरूर एग्जाम में लेके जाएंगे, 6/4 1.5 आएगा, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे आर बी बराबर 1.5 न्यूटन मीटर, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। आर बी का मान इतना हो गया, अब आर बी का मान ज्ञात करने के बाद अब इसका मान हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक देख रहे हैं, तो आर ए का मान निकल जाएगा, तो आर बी का मान, आर बी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, अब हम एक में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, अब यहाँ पर आर ए प्लस आर बी का मान हमने निकाल लिया हुआ कितना है, 1.5 है, 1.5 बराबर कितना है 6 है, तो अब यहाँ पर आर ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो 6 माइनस अगर हम कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा,
यह कितना हो जाएगा, आर ए बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी ये आपका न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। यह क्योंकि ये प्रतिक्रिया नहीं है, आर बी रिएक्शन है, तो आर बी का मान निकल जब मोमेंट आएगा तब आएगा, तो ये 1.5 न्यूटन ही रहेगा क्योंकि ये प्रतिक्रिया है। इसके ये यहाँ पर गलती हो गई थी। अब यहाँ पर देखिएगा आर ए बराबर क्या है, यहाँ पर 4.5 यह न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, आर बी क्या है आपका, ये तो यहाँ पर प्रतिक्रिया निकली है, तो उसके लिए हम 1.5 न्यूटन ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5 न्यूटन आ गया। अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो कर्तन बल आर, इसको हम क्या करते हैं, एस एफ डी लिखते हैं, एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम। अब ध्यान से देखते चलिएगा, तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, इसके नीचे खाली हमेशा छोड़ देते हैं। अब इसके नीचे हम इस प्रकार से लाइनें जहाँ जहाँ पर बल लगा रहता है उसको हम नीचे ड्रा कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे ड्रा कर देंगे ताकि हम इधर कोई भी कार्य ना कर सकें। अब हम इधर करना है प्रारंभ करते हैं, तो आप जब भी डायग्राम बनाना शुरू करें तो आप इधर से बनाना शुरू करेंगे तो आपको सही रहेगा एक ही तरफ से। तो यहाँ पर बिंदु बी पर कर्तन बल निकाल ले रहे हैं, बिंदु बी पर कर्तन बल, ठीक है। बिंदु बी पर कर्तन बल, इसको हम एफ बी लिख दे रहे हैं, ठीक। तो बिंदु बी पर जो कर्तन बल है ऊपर, तो ऊपर की तरफ जो लगा रहेगा हम उसको प्लस लेंगे, ठीक है। तो प्लस हम ले लिए, तो मान कितना आर बी का आया हुआ है, आर बी का मान 1.5 न्यूटन आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1.5 न्यूटन, ठीक है। आर बी की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। अब बी से सी तक हम आएंगे, तो बी से सी के बीच में कोई भी कर्तन बल नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि कांस्टेंट रहेगा यहाँ तक। तो बिंदु सी से, सॉरी बी से, बिंदु बी से सी तक कर्तन बल, तो इसको हम एफ, बी से सी है तो बी सी, इस प्रकार से हम दिखा दे रहे हैं। तो अब देखिएगा कितना है, 1.5 न्यूटन ही आएगा क्योंकि बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। अब बिंदु सी पर हम ज्ञात करेंगे, बिंदु सी पर कर्तन बल कितना होगा, ठीक। तो बिंदु बिंदु सी पर कर्तन बल, ठीक है, बिंदु सी पर हम कर्तन बल निकाल लें, तो कितना आएगा, एफ सी बराबर, अब देखिएगा 1.5 तो आ ही रहा है। अब ये जो ऊपर से अगर नीचे की तरफ लगा रहेगा तो हम माइनस ले लेंगे इसको, तो ये इसको हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस क्योंकि बड़ा है, तो माइ एफ सी बराबर कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 4.5 न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार से सी पर इतना कर्तन बल आ गया। फिर बिंदु सी से ए तक निकाल दें, बिंदु सी से ए तक कर्तन बल कितना होगा, इसको हम एफ सी ए कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी ए तक, तो कितना हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्थिर कोई भी नहीं लगा, तो ये इतना ही रहेगा, तो माइनस 4.5, ठीक है। यानी कि कितना आ गया पूरा, एफ बी पर 1.5, बी से सी तक 1.5 न्यूटन कांस्टेंट है, फिर सी पर हमने निकाल लिया माइनस 4.5 न्यूटन है, और सी से ए तक क्या है, माइनस 4.5 न्यूटन। अब आइए हम इसका डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक आप पहली लाइन खींच लेंगे इसी के नीचे, ठीक है, इसको नीचे आप प्रोजेक्ट कर देंगे।
पर जैसे ए है तो यहाँ पर आप ए डैश लिख दीजिए, यहाँ पर बी है तो आप बी डैश लिख दीजिए, सी है तो आप सी डैश लिख दीजिए। ठीक, लिखने के बाद अब एक सिरे से चलना प्रारंभ हम करेंगे जिधर से शुरू किए थे। तो बी से शुरू किए तो 1.5 था, तो हम एक निश्चित ऊंचाई ले लेते हैं, मान लेते हैं इतना हमारा 1.5 आ रहा है, तो इसको हम 1.5 न्यूटन इस प्रकार से शुरू कर लेंगे। बी सी पर यहाँ पर बी सी है ना, तो सी यहाँ पर बी है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब बी से सी तक क्या है, 1.5 ही आया कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से बी से सी तक चले आएंगे। फिर यहाँ पर जब आ रहे हैं तो सी पर कितना जा रहा है, 4.5, तो अब क्या करेंगे, माइनस नीचे है तो यहाँ पर क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ये नीचे ज़्यादा आएगा, तो इस प्रकार से या इस प्रकार से फिर बी यहाँ पर सी है तो सी से फिर ए तक कितना आया हुआ है, 4.5, तो 4.5 आया हुआ है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे इस प्रकार से बना देंगे। तो ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी है 4.5 न्यूटन। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसको आप हैचिंग कर देंगे इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ पर इसको लिख देंगे एस एफ डी। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचते हैं। तो अब यहाँ पर आपका शियर फोर्स डायग्राम था, अब खींचेंगे बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम खींचेंगे इसको, हम क्या बोलते हैं बी एम डी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे वहाँ शेयर फोर्स में हम एक सिरे से चले थे, इसमें भी हम एक सिरे से चलेंगे। तो पहले हम बिंदु बी पर निकाल लें जो है कि बेंडिंग मोमेंट। तो बिंदु बी पर जो कि आघूर्ण को, इसको हम एम बी इस प्रकार से लिख रहे हैं, जैसे इसे एफ बी लिखे थे इसको एम बी लिख दे रहे हैं। तो इस पर बल और बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो बल कितना लगा हुआ है, आर बी, आर बी का मान हमने निकाला हुआ है, आर बी का मान 1.5 आया हुआ है, लेकिन यह उसी बिंदु पर लगा हुआ है तो दूरी क्या है, शून्य है। ठीक है, गुणे शून्य, तो एम बी बराबर क्या आ जाएगा, तो एम बी बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार जीरो है तो यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बिंदु सी पर हम निकाल लें, बिंदु बिंदु सी पर आघूर्ण, तो एम सी। ठीक है, अब बल इसके परिता बिंदु सी के परिता देख रहे हैं, तो एक बल आर बी लगा हुआ है, तो आर बी की मान कितना है, 1.5 गुणे बीच की दूरी कितनी है, 3 है, तो 3 हमने ले लिया। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि जिस बिंदु पर निकालते हैं उसी बिंदु पर डिस्टेंस शून्य होता है, तो इसका वैल्यू शून्य ही आएगा, तो हम छोड़ देते हैं। तो एम सी बराबर इतना, तो हल करेंगे तो 1.5 गुणे 3 करेंगे। ठीक है, तो आएगा हमारा वैल्यू 4.5। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम सी बराबर 4.5 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर 4.5 न्यूटन मीटर आएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा था वो गलत था। अब 4.5 न्यूटन मीटर आ गया सी पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, जगह कम है इधर हम लिख दे रहे हैं, ए बिंदु पर जो है कि आघूर्ण निकाल ले रहे हैं। अब बिंदु ए पर आघूर्ण, ठीक है,
अब बिंदु ए पर हम निकालेंगे तो एफ यानी कि एम ए इसको हम लिख रहे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर दो बल लग रहा है बिंदु ए के सापेक्ष, क्या दो बल लग रहा है, एक तो यह बल लग रहा है आर बी ऊपर की तरफ और ए सी पर लग रहा है 6 न्यूटन का नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम क्या करेंगे जो ऊपर की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज जो बल रहता है जो जो है कि मोमेंट रहता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे कि एंटी जो क्लॉकवाइज मोमेंट हो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इतना याद रखेंगे कि क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो यह जो आर बी है हमने बताया कि यह क्या है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस होगा। तो आर बी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 गुणे अब यहाँ से ए के सापेक्ष ले रहे हैं तो बल गुणे बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है 4 है तो हम 4। अब देखिएगा अब यह 6 न्यूटन का है लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो माइनस लेंगे 6, बीच की दूरी कितनी है 1 है तो हम इसको गुणे 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 गुणे कितना है 4 माइनस, ठीक है, 6 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही आएगा, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो एम ए पर कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से सिरों पर कर्तन बल कितना होता है जो सिरों पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वह सिंपली सपोर्टेड बीम पर 0 होता है, इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक यहाँ पर खींचेंगे लाइन तो यहाँ पर कितना है 0 है और सी पर कितना आ रहा है, सी पर हमने निकाला 4.5 न्यूटन मीटर तो मान लेते 4.5 न्यूटन मीटर इतना आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश और यहाँ पर हम कैसे लिख देंगे कि 4.5 न्यूटन मीटर इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह ऊपर बना हुआ है, ठीक है, यह जब इस वाले लाइन के ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव नीचे बनेगा तो निगेटिव तो यह प्लस है। इस प्रकार से अब जाकर के हमारा यह बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है वह पूर्ण हुआ, यहाँ पर हम लिख देंगे बी एम डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना सीखे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं इस पर आधारित प्रश्नों को और बता दूंगा। और आप प्रयास कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारा और आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यह सिविल और मैकेनिकल दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पर आधारित अभी हम कई प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर अगले हम वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।